नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कांच यानी कि ग्लास कैसे बनाया जाता है, कांच बनाने में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कांच कैसे और किस चीज से बनाया जाता है। दोस्तों कांच एक बेहद जरूरी चीज है हमारी डेली लाइफ में। शुरुआत में जब प्लास्टिक का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले कांच ही एक ऐसी चीज थी जिसे किसी भी आकार में आसानी से बदला जा सकता था, यानी कि इसे हम कोई भी शेप या आकार दे सकते हैं। इसके अलावा कांच के इस्तेमाल कई चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि कांच के बर्तन, शीशे जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, खिड़की, गेट, टीवी, लैपटॉप और हमारे मोबाइल की स्क्रीन, और साथ ही साथ कांच का इस्तेमाल तमाम तरह की चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों कांच आमतौर पर दो तरह का होता है, जिसमें पहला है सामान्य कांच और दूसरा है स्पेशल पर्पस ग्लास। आपको बता दें कि ज़्यादातर सामान्य ग्लास यानी कांच का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे घरों में जो कांच होता है वो भी सामान्य कांच ही होता है, जबकि स्पेशल पर्पस ग्लास किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ ग्लास, कार की विंड स्क्रीन में लगा ग्लास। लेकिन 90% चीज़ों को बनाने में साधारण ग्लास का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये कांच बनता कैसे है और इसे बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दे कि कांच को बनाने में रेत या बालू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कांच को बनाने में किसी मामूली रेत को उपयोग में नहीं लिया जाता है, बल्कि ऐसे रेत को इस्तेमाल में लिया जाता है जिसमें सिलिका होता है, जिसमें 99% तक सिलिका पाई जाती है। कांच बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि चूना, सोडा और रेत। फिर इन सब का मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें करीब 75% तक रेत होता है, 15% सोडा होता है और 10% चूना होता है। इसे एक मशीन के जरिए अच्छे से पीस लिया जाता है और इसमें पुराने कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को एक भट्टी में पिघलने के लिए डाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसके लिए एक ऐसी भट्टी की आवश्यकता होती है जिसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इतने ज़्यादा तापमान पर जो मिश्रण इस भट्टी में डाला जाता है वो पिघल जाता है और एक तरल यानी कि लिक्विड में बदल जाता है, और ये लिक्विड पिघला हुआ कांच यानी कि ग्लास ही होता है। मतलब जब ये लिक्विड धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो कांच में बदल जाता है। इसके बाद इस पिघले हुए कांच को ज़रूरत अनुसार किसी सांचे में या सीट पर निकाला जाता है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह कांच की अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कांच कई रंगों में आते हैं, तो ऐसा कैसे किया जाता है? तो आइए आपको बताते हैं कि अगर कांच में खास प्रॉपर्टी चाहते हैं, जैसे कि कलरफुल कांच चाहते हैं, तो जब ग्लास लिक्विड अवस्था में होता है तो उसी समय उनमें केमिकल मिला दिया जाता है। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री में रेत से कांच कैसे बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आप कभी